जालौन में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जेठ ने अपने परिजनों के साथ मिलकर बहू की बेरहमी से हत्या कर शव को जंगल में चला दिया। मृतका के मायके वालों ने बेटी से संपर्क की कोशिश की, लेकिन 5-6 दिन तक संपर्क न हो पाने पर मायका पक्ष ससुराल पहुंचा, जहां मृतका के छोटे बेटे ने पूरी घटना बताई। मामले की शिकायत मृतका के पिता ने दर्ज कराई, जिसकी जांच के दौरान मृतका का जला हुआ शव बरामद हुआ है। बता दें कि ससुराल के कुछ लोगों को हिरासत में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के रंगेदा गांव का बताया जा रहा है। थाना कोतवाली उरई में ग्राम रगेदा है, वहाँ वंदना वाइफ ऑफ ब्रिज किशोर टिंकू यादव की यह विधवा थी। इसके पति की साल भर पहले किसी कारणों से डेथ हो गई थी। तो ये 17-10 की रात की घटना है, जो प्रथम दृष्टया बात प्रकाश में आई है। जेठ जो इसका जाहर सिंह है, इस पे अनैतिक संबंधों के चक्कर में फिर इसने विरोध किया तो डंडे से प्रहार किया, वो जब उसकी डेथ हो गई तो ले जाके जंगल में जला दिया। उस दिन पानी बरस रहा था और हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो बॉडी को लगता है फिर 19-20 में जलाया गया होगा, और पेट्रोल या कोई केमिकल डाल के जलाया गया है। बॉडी काफ़ी जल गई है और स्कल और कुछ पैर की हड्डियाँ ही बची हैं। मेरी बहन यहाँ पे ब्याई थी रगेदा गाँव में, तो यहाँ पे बॉडी जो मिली है वो जली हुई मिली है पूरी। अच्छा। वहाँ पे हम लोग गए तो जली हुई मिली है पूरी बॉडी हमें। और अब इसमें वो बच्ची ने बताया था हम लोगों को। कब शादी हुई थी आपकी बहन की? शादी तो सर हम लोग छोटे थे जब हो गई थी सर शादी। अच्छा, कितनी उम्र होगी लगन उनकी? उनकी 31 साल की समथिंग होगी सर। अच्छा। हम लोग मम्मी को ढूंढ रहे थे कहाँ गई, तो भांजी ने बताया कि मम्मी को मामा ढूंढू मैं, तो बब्बा ने मार डाला। अच्छा। तो बोले हम, भांजा बोला हमें पता है कहाँ पे मारा है, तो भांजा बोला हम लेके चलेंगे। तो वो वहाँ पे हमें लेके गया, हम लोगों ने वहाँ पे देखा तो कुछ हिस्ट्री मतलब यहाँ पे डली थी, कुछ हिस्ट्री वहाँ पे डली थी जली। पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNewsFlash।